अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपको इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान साउथ हेम्पटन में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच की 5वीं और आखिरी दिन के हाइलाइट्स दिखाते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। इंग्लैंड ने 5वें दिन का आगाज़ 284 रन 8 विकेट के नुकसान से किया। इंग्लैंड की टीम 313 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से शैनन गैब्रियल ने 75 रन देकर 5 विकेट हासिल की और सबसे कामयाब बॉलर रहे। रोस्टन जेज ने 2, अलराजी जोसेफ ने 2 और जैसन होल्डर ने 1 विकेट हासिल की। वेस्ट इंडीज़ ने 200 रन का ताकुब इंतहाई मायूसकुन अंदाज में शुरू किया। वेस्ट इंडीज़ की 3 विकेट्स सिर्फ 27 रन पर गिर गई। अब विकेट पर रोस्टन चेस और जर्मेन ब्लैकवुड इकट्ठे हुए और एहतियात से हदफ की तरफ बढ़ने लगे। जब स्कोर 100 हुआ तो रोस्टन चेस आर्चर का शिकार बन गए। 168 के टोटल पर बैन स्टोक्स ने डोच को 20 पर काइट बिहाइंड करा दिया। ब्लैकवुड मंजिल के करीब आकर विकेट गुमा बैठे। उन्होंने 12 चौकों की मदद से 95 रन बनाए। अब फतह के लिए सिर्फ 11 रन दरकार थे। इसके बाद कैम्बल ने स्टोक्स को चौका जड़ के टीम को 4 विकेट से शानदार फतह से हमकनार करा दिया।